नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 45,151 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग हमने 149 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे आके क्लोज किया। देखिए, कल की वीडियो में मैंने क्लियर कट आप लोग को बताया था कि यहाँ पर एक लॉन्ग लेग दोजी बनी है और जो लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनती है वो अनडिसाइड कैंडल बनती है। यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, यानी इस कैंडल पर्टिकुलर इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, यानी इस कैंडल में किसी ने डिसाइड नहीं किया कि बायर ऊपर भी लेके गए, सेलर नीचे भी लेके आया और दोनों ने हाथ छोड़ के बीच में लाके क्लोज कर दिया। यानी दोनों ही कंफ्यूज है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो इसलिए ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनती है। जब लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनती है एक अच्छे ट्रेंड के बाद बनती है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर मिल चुका। हम अगर यहाँ से देखेंगे तो 43,600 से हम 45,600 के पास पहुँचे, लगभग 2,000 पॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट बन चुकी थी। तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करना ही था, मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेना था, या हो सके यहाँ से मार्केट 400-500 पॉइंट करेक्ट भी, क्योंकि देखिए जब इतनी अच्छी मूवमेंट आती है तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि कंटिन्यू हम ऊपर यहां पे जा रहे हैं। यहां पे हम एक दिन भी पिछले दिन के लो को हम ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमने पिछले डे के लो को ब्रेक नहीं किया है, कंटिन्यू हम ऊपर की साइड में ही जा रहे हैं। आज की क्लोजिंग जरूर कल की क्लोजिंग से थोड़ी कम है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि अब देखना होगा कि कल मूव क्या इसी कैंडल के अंदर में होता है, क्योंकि ज्यादातर जब बड़ी लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनती है ना तो अगले दिन का मूव उसी कैंडल के अंदर में रह जाता है और नेक्स्ट डे मार्केट डिसाइड करता है कि मार्केट को करना क्या है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक अच्छा खासा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई कल के सेशन में। आज के सेशन में भी देखिए ऊपर ये गया 300 तक, ऊपर गया 350 तक, वापस आके ये नीचे भी आया 45,100 के पास में आया और उसके बाद जाके यहाँ पे 45,150 के पास में हमारी क्लोजिंग है। तो मार्केट वीक नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वीक हो जाएगा, जब तक चार्ट पे कोई सिग्नल नहीं दिखेगा ना तब तक आपको वीक है मार्केट स्ट्रांग है ये आप आइडेंटिफाई मत करो, एज्यूम मत करो कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो अब गिरेगा। आज HDFC बैंक सपोर्ट नहीं किया, अकेला HDFC बैंक की बैंक निफ्टी को थोड़ा नीचे लेके बैठा हुआ था। तो यहां पे देखिए मूवमेंट कब आएगी, डाउनसाइड की मूवमेंट तभी आएगी जब ये ग्रीन कैंडल का, देख रहे ये वाली ग्रीन कैंडल का ओपनिंग जो है ना, इसके नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करने लगेगा तो थोड़ी बहुत मूवमेंट नीचे की साइड में आ सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब भी नीचे की साइड में आएगा ना तो ये 44,500 अभी हम आए 45,150 के आसपास में, तो ये ध्यान रखिएगा कि 44,500 इसके लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। सबसे पहले पहला सपोर्ट तो वही है जो लास्ट डे का लो है, यानी जो लो है ये लो जो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो 44,500 ये ब्रेकआउट लेवल है, हो सकता है मार्केट कभी कभी ब्रेकआउट को अपने टेस्ट करने के लिए आता है, फिर वहाँ से जो मूवमेंट बनता है एक बहुत अच्छा मूवमेंट बनता है। यानी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है, जिसके पास भी पोजिशनली जो लंबे टारगेट के लिए होल्ड करके बैठे हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन स्टॉपलस है। वैसे स्टॉपलस ऑलरेडी मैं बताते रहता हूँ कि पिछले डे का लो का आप स्टॉपलस लगा के बैठे हो, अगर कल इसके लो के नीचे ये ट्रेड करने लगे और इसके लो के नीचे क्लोज करें तो जो आपकी शॉर्ट टर्म की पोजिशन है वहां से आप एग्जिट कर लो। आप अपनी रिस्क कैपिटल के हिसाब से कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी वहां पे रख सकते हो। ये सब सारी चीजें देखिए हमें डिसाइड करनी पड़ती है, ये मार्केट में कोई सिखा नहीं सकता कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है। ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारी कैपिटल पे मुझे कितना प्रॉफिट सफिशिएंट है, कितना लॉस सफिशिएंट है, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं। कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, तो चलिए देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन में बैंक निफ्टी किस तरीके की मूवमेंट कर सकता है और क्या यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि मार्केट का हाई और लो, यानी लास्ट डे का हाई और लास्ट डे का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के लिए। तो इस चीज़ें हमेशा ये चीज़ें आप गौर करके रखो, अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब आज का हाई आज का लो नहीं है, अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लास्ट डे का हाई और लास्ट डे का लो ही है, क्योंकि हम उसी कैंडल के बीच में जाके हमने कहीं पर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे, अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। कल ही मैंने आप लोग को अलर्ट कर दिया था कि ऑप्शन बायर थोड़े सावधान यहाँ पे हो जाए, क्योंकि देखिए चीज़ें पहले समझनी पड़ती है, अगर आप चीज़ों को समझोगे नहीं ना तो यहाँ पे हर दिन आप एक ही क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, अगर पिछले 5 दिन से आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे थे, आज भी आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं तो आज आप लॉस लेके बैठे हो, क्योंकि पिछले 5 दिन में आपको वन वे एक मूवमेंट मिल रही थी, एक मूवमेंट आपको वन वे मिल रही थी, जब भी मूवमेंट मिल रही थी एक मूवमेंट आपको वन वे मिल रही थी तो या तो आपने पुट में पैसा बना लिया या आपने कॉल में पैसा बना लिया। आज आप पुट एंट्री लोगे तो ऊपर चला जाएगा, जब नीचे कॉल में एंट्री लोगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल लोगे, फिर मार्केट नीचे आएगा तो आप पुट लोगे, ऐसे क्या होंगे, जाएगा कहीं नहीं, वो घूमेगा उसी जगह पे, सिर्फ आपका SL यहां पे होगा। इसीलिए बोलता हूं एक अच्छी मूवमेंट के बाद मार्केट थोड़ा शांत होता है तो ट्रेडर को भी थोड़ा शांत होना चाहिए, अगर ट्रेडर शांत नहीं हो रहा ना तो समझ लो वो ट्रेडर बनने लायक ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जब 5 दिन आपको अच्छा मूवमेंट दिया तो 6ठे दिन भी अगर मार्केट बोल रहा कि मैं थोड़ा शांत रहूंगा तो आप भी शांति से थोड़ा सा बैठो, इंतजार करो, पैसा रहेगा, मैं बार बार बोलता हूं पैसा रहेगा, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा आप पैसा बना लोगे, लेकिन
रेंज के अंदर में आप कंटिन्यू सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आ रहे कि नहीं मुझे ट्रेड ही करना है, तब तो कोई उसका उपाय ही नहीं है, फिर आपका पैसा जाने ही वाला है। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज बनाई। ज़्यादातर टाइम मार्केट ने देखा जाए तो शुरुआत की एक दो कैंडल निकाल दीजिए तो मार्केट क्या ट्रेड कर रहा, मार्केट ये 150 पॉइंट की रेंज के अंदर में मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता रहा और एक चैनल बना के रखा। यहाँ पे देखिए एक चैनल बना के मार्केट रखा। अब मार्केट में यहाँ देखिए कल अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पर ओपन होता है, अब इस शुरुआती कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये करीब आधा घंटे एक घंटे ट्रेड होने के बाद अगर ऊपर या नीचे की साइड में यानी ऊपर की साइड में 45,288 के लेवल को निकालता है तो यहां पे एक मूवमेंट जा सकती है 45,355, फिर 45,444 और उसके बाद 45,555, ये मूव आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन कब, मैं बोला हूँ कि आधे एक घंटे पहले टाइम बिताने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, नहीं तो मुझे लगा कि अगर पहली दूसरी कैंडल में ही निकला तो फिर ये इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। 370, 380, 388 ये जोन इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद नीचे की साइड में, ध्यान रखिएगा नीचे की साइड में ये स्ट्रांग सपोर्ट है, क्या सपोर्ट है, 44,950, ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, मान लीजिए इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है और यहां पे अगर ये ब्रेक करता है 45,088 ब्रेक करेगा तो मैं यहां पे एक छोटा सा ट्रेड लूंगा और वो ट्रेड लेके जा सकता है 44,988 तक। सेकेंड मूव मैं देखूंगा जब ये मार्केट 44,950 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बनाएगा ना तो वहाँ पे बेस्ट एंट्री मिलेगी और वो मूव लेके जाएगा 44,833 और उसके बाद 44,755। ये मूव मैं देख सकता हूँ कब, जब देखिए शुरुआती मिनट में मार्केट अगर एक आध घंटे यहाँ पे ट्रेड किया और उसके बाद नीचे के साइड का ब्रेकआउट दिया तो पहला टारगेट हमारा होगा 44,988 का, सेकेंड टारगेट यहाँ पे निकल गया 44,833 और थर्ड टारगेट 44,755 का। अब मार्केट किसी कारणवश गैप अप ओपन हो जाए, ध्यान रखिए अगर गैप अप ओपन होता है ये 400 के आसपास यानी हम लगभग 250 पॉइंट अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो यहां पे मुझे क्या उम्मीद है कि यहां पे ये होल्ड करे 400 के पास, 400 और 500 के बीच में ये टाइम बिता दे कम से कम 1.5-2 घंटे। देखिए अगर 1.5-2 घंटे बिताएगा नहीं तो 250 पॉइंट ऊपर होने ओपन होने के बाद मैं यहां पे एंट्री नहीं लूंगा। अगर एंट्री कोई कंडीशन बनती है तो शायद मैं 110 ही ट्रेड करूंगा यानी 100 क्वांटिटी में से मैं शायद 10 क्वांटिटी ही यहां पे ट्रेड करना पसंद करूंगा। यहां पे कोई रेंज बनाएगा और रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा मार्केट ना, वहां पे मैं ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि फिर अगर यहां पे रेंज बना के 500 को क्रॉस करेगा 5522 को तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा जो कि हम लोग को 650 के पास में लेके जा सकता है। अगर 650 क्रॉस करेगा तो फिर 722 और 888 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 45,000 के आसपास यानी 150 पॉइंट नीचे 45,950 के आसपास कहीं पे ओपन होता है और यहां पे कोई प्राइस एक्शन की पहली दूसरी कैंडल ही बन जाती है ना और वापस 950 को ब्रेक करता है तो मैं यहां पे एंट्री लूंगा। मुझे लगता है फिर यहां पे एक मूवमेंट हमें 888 और 733 वाला टारगेट बहुत फास्ट यहां पे मिल सकता है अगर हम 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई प्राइस एक्शन बने। देखिए यार एक चीज समझ लेना, ये मत कभी भी अज्यूम करो कि ये मुझसे छूट गया, ये ऐसा हो गया, मार्केट को जो करना है वो करने दो। मार्केट में ट्रेड आपका सफल तभी होगा जब आप अपनी कंडीशन पे ट्रेड करते हो। अगर आप मार्केट की कंडीशन पे ट्रेड करते हो ना तो आपको पैसा नहीं बनेगा। मार्केट ओपन हो गया, कंटिन्यू ऊपर जा रहा, आप बीच में कहीं पे एंट्री ले रहे हो तो आप पैसा नहीं लेके जा पाओगे, वही 10 पॉइंट 5 पॉइंट 20 पॉइंट में आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जब आप सही कंडीशन यानी आपकी कंडीशन में मार्केट ओपन होता है और उस कंडीशन को आप ट्रेड करते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और पैसा भी आता है, दोनों चीजें तभी आती हैं, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 200 पॉइंट और सडनली 200 पॉइंट पहली कैंडल ही 200 पॉइंट और नीचे निकल गए तो निकल जाने दूंगा, फिर मेरा वहां पे इंटरेस्टेड नहीं होगा। फिर ये 700-800 की जोन में आएगा तो मैं कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर पहले ही 10-15 मिनट में मार्केट अगर 300-350 पॉइंट गिर जाता है तो मैं कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा या फिर प्राइस एक्शन में कुछ सेल का सिग्नल दिखेगा तो बहुत छोटी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। बड़ी क्वांटिटी में प्लान कहां पे करूंगा जब ये 45,000 के आसपास ही कहीं पे ओपन होके उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा तो शायद थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में यहां पे प्लान करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 5 दिन हमने बड़ी क्वांटिटी प्लान कर ली है तो अब बड़ी क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि 100 क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा, यहां पे शायद मैं 50 क्वांटिटी और 25 क्वांटिटी में अब जाऊंगा क्योंकि अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो और कंसोलिडेशन के बाद जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंसोलिडेशन के बाद जो मूव मिलेगा उस मूव में बड़ी क्वांटिटी यहां पे प्लान करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।